हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं नीरू पांडे आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। ईश्वर की असीम कृपा आप सभी पर बनी रहे। तो मैं बता दूँ कि मैं कहाँ गई हूँ। तो मैं गई हूँ अपने दीदी के लड़के के एंगेजमेंट में। तो इस वीडियो में क्या क्या होने वाला है, क्या क्या नहीं वाला होने वाला है, आप पूरी वीडियो को देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अच्छी वीडियो है। और मज़े की बात मैं आपको बता दूँ कि पूरी पूरी महफिल में अगर एक महिला वीडियो बना रही है तो बहुत बहादुरी का काम कर रही है। वो सिर्फ मैं कर रही थी। और इतनी मेहनत से वीडियो बनाने पर पानी फेरने में एक मिनट का भी टाइम नहीं लगाते हैं आप लोग। खैर कोई बात नहीं, मुझे कोई शिकायत नहीं है आप लोगों से। आप लोगों की इच्छा है, मैं अपना काम कर रही हूँ, आप लोग अपना काम कर रहे हैं, आप लोगों की मर्जी है भैया, क्या कर सकते हैं। खैर आप लोगों को ये दुल्हन वाला जो है, दुल्हन वाला वीडियो आप लोग दूसरे वीडियो में देखिएगा, क्योंकि इसमें अगर हमने उसको ऐड करा होता तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाती। इसलिए मुझे दो पार्ट में करके वीडियो बनानी पड़ी। पूरी वीडियो बनाई हूँ, बहुत अच्छे से बनाई। हमारे यहाँ का रीति रिवाज देखिए कि हमारे यहाँ किस तरह से इंगेजमेंट की रस्म हुई, सगाई की रस्म हुई। आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और तभी देख पाएंगे कि हमारे यहाँ आज भी किस तरह से होता है। और हमारे जीते जी तो ऐसा ही होता रहेगा। कहने का मतलब ये है कि हम सनातन धर्म से हैं और अपने धर्म को नहीं छोड़ सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं ये ढोंग है, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, लेकिन पूरे रीति रिवाज के साथ हुआ है। हमारी जो परंपरा है हम उसे नहीं भूल सकते हैं और भूलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आज की जनरेशन सोशल मीडिया के चक्कर में बहुत कुछ बोलती जा रही है। कोई उसे ढोंग का नाम दे रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जितना ही पहले लोग धर्म से जुड़े हुए थे, अपने रीति रिवाज से जुड़े हुए थे, उतने ही लोग सुखी थे। आज की डेट में जितने ही लोग अपने आप को एडवांस बनने लगे, उनके बच्चे उनकी इज्जत करना छोड़ दिए, क्योंकि उनको कुछ पता ही नहीं है, रीति रिवाज कुछ बताया ही नहीं है हमने। तो भाई हमारे यहाँ पूरे रीति रिवाज के साथ चल सब कुछ मनाया जाता है, तो हम सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं। ये रहा खाने का सामान, नाश्ता है ये, खाने वाला नहीं है। मतलब खाने वाला ही है लेकिन खाना नहीं है, भोजन नहीं है। ये है नाश्ता, ये नाश्ता है। और अभी मैं आगे आप लोगों को दिखाऊंगी अपनी दीदी को। पता ही नहीं चलता कि उनके इतने बड़े बड़े बच्चे हैं, इतनी स्मार्ट है मेरी दीदी। और उनकी बेटी बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर, बाय नेचर भी बहुत अच्छी है। और मतलब सुंदरता तो आप खुद ही देख के कह देंगे कि हाँ वाकई बहुत सुंदर है। ये रेड कलर की साड़ी वाली मेरी दीदी हैं और ये है मेरी दीदी की लड़की। तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी आप लोगों को। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा।
रही माला दीदी बिना सुन लगता कहाँ आते हैं पापा कहाँ हैं बचा पापा जुआ पड़ल बका हो के है दीदी यही है जान ना पाऊं यही है जाओ पापा कहाँ गए यही बाट है देखा खो जाए ये बाट है दीदी दिखाई दे रहा ओम बच्चन कमलो भ्यो नम ओम बच्चन कमलो भ्यो नम विराजो दो विराजो विराजो दो विराजो ओम बच्चन कमलो भ्यो नम मंगलम भगवान